इस वीडियो में हम लोग निबंध लेखन के अगले टॉपिक को करेंगे। टॉपिक है हमारा वर्तमान समय में इंटरनेट का महत्व। ये फर्स्ट टर्म में पोर्शन में दिया हुआ दूसरा टॉपिक है निबंध का। तो अभी हम लोग निबंध को स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर निबंध को पढ़ूंगी, आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और इसी के आधार पर अपना निबंध इस विषय पर तैयार कीजिएगा। तो निबंध अब हम शुरू कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विज्ञान ने हम मनुष्यों के जीवन को पूर्णतः बदल कर रख दिया है। हमारे पूर्वज आदि मानवों की जीवन शैली की तुलना में हमारी जीवन शैली अधिक व्यवस्थित, सुविधाओं से भरपूर, विकसित एवं आरामदायक है। जहां पहले हमें प्रत्येक कार्य में संघर्षों एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, आज उन्हीं कार्यों को हम बड़ी आसानी से पूरा कर लेते हैं। विज्ञान की नई नई खोज एवं आविष्कार की ही देन है हमारी आधुनिक जीवन शैली। इसके आविष्कारों ने मानव जीवन के हर पहलू को छुआ है। इंटरनेट भी विज्ञान का ही महान आविष्कार एवं अद्भुत खोज है। इंटरनेट का उपयोग आधुनिक समय में पूरा विश्व कर रहा है। यह जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है जिसने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। आज का संसार व्यापक एवं विस्तृत ना होकर लघु प्रतीत होता है। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां इसने ना छुआ हो। आज घर में बैठा एक साधारण मनुष्य भी इसके माध्यम से दुनिया भर की जानकारियों को प्राप्त कर सकता है। चाहे एक किसान हो अथवा डॉक्टर, एक शिक्षक हो या छात्र, बैंक कर्मी हो या कोई व्यापारी, इसके माध्यम से अपनी जरूरत की जानकारी प्राप्त कर लेता है। आज के बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, व्यापार जगत, चिकित्सा जगत, शिक्षण संस्थान आदि के कार्यालय इंटरनेट से संबद्ध हो चुके हैं। आज यह हमारे जीवन की आवश्यकता बन चुका है और इसके अभाव में मनुष्य को अपना जीवन अधूरा जान पड़ता है। व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक आदि की कमी हमारे सामाजिक संपर्क अथवा संबंधों को सीधा प्रभावित करती है। सरकारी एवं निजी दोनों संस्थानों में इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। इंटरनेट को ज्ञान का खजाना भी कहा गया है, जो एक हद तक सही भी है। शिक्षा, खेल, विज्ञान, कला, साहित्य आदि किसी भी विषय की जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। विस्तार पूर्वक यदि हम चर्चा करें तो शिक्षा के क्षेत्र में एवं चिकित्सा के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यार्थियों के लिए तो यह एक सौगात से कम नहीं। विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्नों के हल के लिए उन्हें इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। वे इंटरनेट पर ही गूगल के माध्यम से अपने प्रश्नों के तमाम उत्तरों को ढूंढ सकते हैं।
चिकित्सा के क्षेत्र में एक चिकित्सक अपनी सभी शंकाओं को इसकी मदद से दूर कर सकता है एवं आधुनिक तरीकों की जानकारियां जुटाकर अपने चिकित्सीय गुणों को और अधिक निखार सकता है। बैंक एवं व्यापारी भी इसके माध्यम से विश्व स्तर पर जुड़कर अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। यातायात का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, फिर चाहे वह रेलवे से संबंधित हो अथवा हवाई अड्डे से। खेती से संबंधित व्यक्ति भी इसके द्वारा आधुनिक तकनीकी जानकारियों को अपनाकर पैदावार में वृद्धि कर सकता है। एक तरफ जहां इसके अनेक योगदान एवं लाभ हम देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके हानिकारक प्रभाव को अनदेखा नहीं कर सकते। इंटरनेट पर कुछ हानिकारक और आपत्तिजनक सामग्री परोसी जाती है, जिससे युवा पीढ़ी प्रभावित होती है और भ्रम की स्थितियों में जीवन जीने लगती है। इसके माध्यम से साइबर क्राइम में भी वृद्धि हो रही है। इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग हमें अनेक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां प्रदान करती हैं। अधिक देर तक इसके संपर्क में रहने से व्यक्ति में तनाव, सिर दर्द तथा आंखों की रोशनी से संबंधित बीमारियों को आमंत्रण देती है। आए दिन बैंक खातों से डकैती अथवा निजी जानकारियों की चोरी आदि की घटनाएं सुनने को मिलती है। हमें इनके प्रति सतर्क होकर इसके दुरुपयोग तथा हानि से बचना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित रूप से इससे अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये सेकंड टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, यानी हिंदी वन का पोर्शन हम लोगों का सारा कंप्लीट हो गया। पहले ही मैंने चैप्टर्स हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, शब्द जितने भी थे हिंदी वन के किताब से, जो विलोम पर्यायवाची वगैरह, उसे भी हम लोगों ने देख लिया था। और अब पत्र और निबंध का टॉपिक भी हमारा पूरा हो चुका है, तो ध्यान से इसको पढ़ करके और अपना निबंध आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग शब्दार्थ कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग।